दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। और आज हम बात करेंगे ज़ुरोलैक पाउडर के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। ज़ुरोलैक एक लैक्टोज और सुक्रोज फ्री जो है छोटे बच्चों के लिए एक दूध का विकल्प कह सकते हैं आप इसे। और आप देख सकते हैं ये स्पेशली छोटे बच्चों में ही इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बच्चों में जो बच्चे होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेशल इन्फेक्ट मिल्क होता है और ये सब्स्टिट्यूट कंटेनिंग सोया प्रोटीन और इसके अंदर आइसोलेट होता है। यानी ये कई तरह की जो परेशानी होती है बच्चों में, खासतौर से मैं आपको बता दूँ किस लिए इस्तेमाल होता है। ये डायरिया हो जाना, दस्त हो जाते हैं कुछ बच्चों में, और लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या यानी गाय और भैंस के दूध से एलर्जी होने के कारण जो परेशानी होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस इसको बोलते हैं। तो डॉक्टरों के द्वारा फिर ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जिसके अंदर जो आप देख सकते हैं पूरा एक इसका प्रोफाइल होता है, जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, सोया प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, आयोडीन, आयरन जैसे जो है कई तरह के जो है विटामिन इसके अंदर होते हैं, और मिनरल्स का भी एक पूरा कैल्शियम, फॉस्फेरस, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह पूरा इसके अंदर प्रोफाइल होता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो जो है ज़ुरोलैक में हाइड्रोलाइट कॉर्न स्टार्च और सोया प्रोटीन, आइसोलेट, मूँगफली का तेल, नारियल का तेल और इसके अलावा कई तरह के जो है खनिज मिलाकर इसे जो है तैयार किया जाता है। तो ये छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पाउडर होता है, जिसमें सोया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और इसके अलावा विटामिन B12, फोलिक एसिड और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। और ये बात करते हैं इसको बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये काम क्या करता है। छोटे बच्चों में जो दूध जो बच्चे पीते हैं और उन्हें गाय और भैंस के दूध से ख़ास तौर से एलर्जी होती है, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चों में ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। दूध का ये बहुत अच्छा विकल्प होता है, लेकिन इससे पहले अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो पहले एक बार डॉक्टर से संपर्क करें। ये दो पैक में मेरे पास में है फिलहाल, ये बहुत फेमस भी है। तो छोटा पैक होता है और एक ये बड़ा पैक होता है, तो दो तरह के पैक में ये आपको मिल जाता है। यानी 200 मिलीग्राम का एक पैक होता है और एक 400 मिलीग्राम का पैक होता है। तो जो बात करते हैं इसको जो है बनाने के तरीके के बारे में, तो बनाने के तरीके के बारे में तो बच्चे की उम्र और उसके वजन के अकॉर्डिंग जो है इसे बनाया जाता है कि किस तरह से कितने उम्र का बच्चा है। तो 292 रुपये का आपको मिलेगा ये छोटे वाला पैक जो है, और ये बड़ा पैक है इसका, आप देख सकते हैं 400 ग्राम का पैक है। अब 400 ग्राम का जो पैक है वो मैं बताता हूँ आपको, 543 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है मार्केट के अंदर। और बच्चों की जो उम्र होती है उसके अकॉर्डिंग ही इसे बना कर दिया जाता है। और बात करते हैं इसको, रैपटेक कोस यानी ब्रेटेंड कंपनी लिमिटेड इसको बनाती है, जो कि काफ़ी फेमस है। और ये छोटे बच्चों के लिए ही खास तौर से बनाया गया है, और उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, यानी दूध से जिनको एलर्जी होती है, दूध पीने में कई तरह की परेशानियाँ हैं, ख़ास तौर से एलर्जी है उनको समस्याएँ होती हैं, उल्टी लगना, दस्त हो जाना। छोटे बच्चों में गाय का भैंस का दूध पीते ही समस्या होती है, यानी उनको कई तरह के दुष्प्रभाव जो है इसके जो है उन चीज़ों के देखने को मिलती है, तो उनके लिए इसे खास तौर से बनाया गया है। बात करते हैं इसको बनाने के बारे में, तो इसको इस पर पूरा निर्देश दिया जाता है। जैसे कटोरी और चम्मच को साबुन और पानी से सबसे पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, 5 मिनट तक उबालने के बाद पानी को जो है उबलते पानी में डालें। किसी साफ बर्तन में, दूसरे नंबर पर जो आता है साफ बर्तन में, पीने का पानी 15 मिनट तक उबाल कर उसे गुनगुना होने दें। और पहले से जो है चौड़े मुँह की कोई कटोरी लें जिसके अंदर जो है आप देख सकते हैं पूरा दिखाया गया है, और गुनगुने पानी की जो माप होती है उसमें मात्रा मिलाकर अच्छी तरह घोलिए, जिससे सामान्य रूप से ये पूरी तरीके से घुल जाए, बस ये तैयार हो जाता है। और जब आप इसको खरीदते हैं तो इस पर पूरा एक इंडिकेशन होता है, उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक्स यानी पहले हफ्ते के जो होते हैं उसमें मिलीग्राम और कितना देना है वो पूरा लेवल इसके अंदर जो है पूरा मेंशन किया होता है। तो आप जब इसको ख़रीदते हैं या तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपके बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, तो तभी इसका इस्तेमाल करें। नहीं तो अगर उनके बताए अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसमें जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा ज़ुरोलैक पाउडर के बारे में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।